नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, हेड फिजिशियन, बाबा होम्योपैथ क्लिनिक कुम्मा, सीतामढ़ी, बिहार। ये क्लिनिक आपकी सेवा में लगातार 26 वर्षों से तहे दिल से प्रयासरत है। आप सभी का मेरे चैनल पुरातन विज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। कोरोना कोरोना कोरोना, हर तरफ बस यही शब्द अब सुनाई पड़ रहा है। पूरे विश्व के समस्त जनमानस की संपूर्ण व्यवस्थाओं को ठप करके रखा है। मनुष्य अपने वर्तमान के सभी उन्नत उपायों और विज्ञान के बल पर इसको नियंत्रित करने में जुटा है, लेकिन तमाम उपायों के बावजूद कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। दिसंबर 2019 से अब तक कोरोना नियंत्रण हेतु जो भी उपाय किए गए हैं और उसका जो भी परिणाम दिखा है, उससे तो यही साबित होता है कि ये अब हम सबके जीवन का अंग बन चुका है। हमारी सारी व्यवस्थाएं, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उनकी संख्याएं सीमित है, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती चली जा रही है। आज के तारीख में भारत में हम करीब 12 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। अब इस संकट पर कोई राजनीति नहीं की जा सकती है। हम अपनी जवाबदेही का थोपा थोपी नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपनी जवाबदेही समझना होगा, तभी जाके हम सुरक्षित हो सकेंगे और हम अपने परिवारों को सुरक्षित रख सकेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति अपने परिवार को कोरोना से परास्त करने के लिए क्या कदम उठाएं, ताकि हम किसी मुसीबत में न फंसें। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम कोविड-19 की एक मेडिकल किट अपने घर में रखें। ये मेडिकल किट आप एलोपैथी भी रख सकते हैं या होम्योपैथिक दवाओं का भी रख सकते हैं। ज्यादा उचित हो आप दोनों दवाओं का रखें। एलोपैथिक किट में जो मेडिसिन आएंगे, उसमें है एक नंबर में पारासीटामोल, लिवोसिट्रिजिन की गोलियां, एजिथ्रोमाइसिन की गोलियां, विटामिन सी, डी और बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां और बीटाडीन का माउथवाश। होम्योपैथिक किट में एकोनाइट 30, बेलाडोना 30, आर्सेनिक 30, जेलसेमियम 30, रस्टक्स 30 और ब्रोनिया 30। वैसे अन्य दवाएं भी रखी जा सकती है, लेकिन बीमारी की अवस्था के अनुसार या लक्षण के अनुसार उसका सिलेक्शन करना पड़ता है। और माउथ वॉश के लिए कैलेंडुला क्यू अवश्य रखें। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन दवाओं का इस्तेमाल कब और कैसे करें। सबसे पहले जाने कि कोविड-19 हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता कैसे है। तो कोविड-19 बीमारी की 3 स्टेजेज होती है, 3 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में इसका इन्फेक्शन नाक के अंदर होता है। यह ज्यादातर अलक्षणिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक, इसमें कोई लक्षण नहीं होता है। आपको थोड़ा हल्का हल्की सी खांसी हो सकती है, नाक से पानी आ सकता है, छींके आ सकती है जो आम तौर पे आती है, आंख नाक रगड़ने की इच्छा हो सकती है, लेकिन इस छोटी छोटी लक्षणों को भी आप इस समय नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा सतर्क रहना है। अगर ऐसी कोई भी बात आपको दिखाई पड़ती है या समझ में आती है, तो आप तुरंत लिवोसिट्रिजिन की एक गोली रोज रात कम से कम 5 दिन तक लें। सबसे पहले जो सतर्कता की जरूरत है, आप ये देखें कि आपके परिवार में सभी सदस्य कीड़े की दवा निकटतम समय में खाया है कि नहीं। हर 4 महीने पे परिवार के सभी सदस्यों को कीड़ा की दवा डीवर्मिंग होना जरूरी है। अगर आप घर में कोई पेट्स रखे हैं, पालतू पशु रखे हैं, तो उसका भी डीवर्मिंग अवश्य कर लें। डीवर्मिंग हो जाने के बाद ही आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अगर होम्योपैथ दवा खानी हो प्रथम अवस्था के स्टेज में, तो इसमें आप एकोनाइट 30, बेलाडोना 30 एक बूंद दिन भर में 4 बार ले सकते हैं। आपको अगर कमजोरी लग रही हो, आलस्य ज्यादा आ रहा हो, तो जेलसेमियम 30 की एक बूंद दिन भर में 4 बार ले सकते हैं।
रात का मौसम है, अगर आप बाहर से आते हो, भींग जाते हो, उस अवस्था में भी सर्दी हो जाती है, छींके आने लगती है, आपको हल्का सा बुखार आ सकता है, उस अवस्था में रस्टक 30 एक बूंद दिन भर में 4 बार लें। जो लक्षणे आपको मैंने बताई हैं, अगर इसमें आप होम्योपैथ की दवा लेना चाहते हैं तो एकोनाइट 30 या बेलाडोना 30 एक बूंद दिन भर में 4 बार लें। आपको आलस्य आता हो, सुस्ती महसूस करते हो, कमजोरी महसूस करते हो, तो जैक्सेनियम 30 की एक बूंद दिन भर में 4 बार लें। बरसात का मौसम है, अगर आप बाहर से भींग कर आते हैं, उस स्थिति में भी आपको सर्दी खांसी हो सकती है, उस स्थिति में आप रस्टक 30 की एक बूंद दिन भर में 4 बार लें।